दोस्तों, मेरा नाम है भौमिक वसावड़ा और आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानियों का नया दौर भौमिक के साथ। एक समय की बात है, एक राज्य में प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा यह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उस राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 सुवर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अभी 50 सुवर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने पर प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पत्थर पर हथौड़े से वार करने लगे, किंतु पत्थर जस का तस न हुआ। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार किए किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर पत्थर पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसीलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो सफल हो गया होता और 50 सुवर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा सा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसी में हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी में हमें कई सारा कुछ सीखने को मिला। आगे भी आपको ऐसी कई सारी मोरल स्टोरीज मेरी ओर से मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।